आप और आपकी कामयाबी के बीच में सिर्फ एक रुकावट है और वो रुकावट है आप खुद, ठीक है। और एक एक इंस्टेंट में जो चीज एक थॉट आता है वो थॉट आपको रोक रहा है, वो थॉट है आपका डिसीजन। कहीं ना कहीं अपने बिलीफ सिस्टम को आप स्ट्रांग करिए। अगर कोई फेसबुक का ऐप होता है जिसको मैं अपने मोबाइल फोन में अगर उसको डाउनलोड करना चाहूं यानी इंस्टॉल करना चाहूं, फेसबुक का एप्लीकेशन अगर उस पर इंस्टॉल नहीं होता है तो तुरंत मेरा जहन कहां जाएगा, फोन की खराबी की तरफ जाएगा, ना कि फेसबुक के ऐप की खराबी पे जाएगा। क्योंकि फेसबुक का जो ऐप है वो बिलियंस ऑफ फोन्स में जो है चल रहा है, कोई मतलब सोच भी नहीं सकेगा कि फेसबुक के एप्लीकेशन में खराबी होगी, सब यही सोचेगा कि आपके फोन में खराबी होगी। तो ये बिजनेस में जब इतने लोग कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं, इसका मतलब ये बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो हमारे बिलीफ सिस्टम में प्रॉब्लम। शुरू शुरू हमारे को बिलीफ सिस्टम का प्रॉब्लम था, क्योंकि हम आईटी से इंजीनियर है, क्या साबुन का नया धंधा, ठीक है। मेरे अपलाइन मेरे दोस्त बचपन के कमाल भाई यहाँ पर ठहरे हुए हैं, जब इन्होंने स्पॉन्सर करे तो मैं स्पॉन्सर हो गया, लेकिन जहन मतलब वो मतलब बिलीफ सिस्टम ऐसा काम नहीं कर रहा था। फिर कमाल भाई की भी बहुत मेहनत रही है, फिर एक दिन हमारे मेंटोर एसपी भारिल साहब आए हैदराबाद को, और उन्होंने लिया लाइटर और हमारी तुम में आग लगा दी। दो महीने में मैंने सिल्वर डायरेक्टर किया। फिर मेरी कंपनी की कुछ मसरूफियत की वजह से मुझे बिजनेस थोड़ा सा रोकना पड़ा, तीन चार महीने में कर नहीं सका बिजनेस। मैं दुबई में भी था। फिर उसके बाद मैं फिर ये बिजनेस मतलब ये गोल्ड जो मैं अचीव कर रहा हूँ, अगेन मे बी अराउंड 45 डेज में मैंने गोल्ड अचीव किया। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मतलब एक शेर के साथ हैदराबाद स्टाइल में जो सो मैं बंद खत्म करूंगा इसको, कि बुलाती हैं मौजें के तूफान से खेलो, बुलाती हैं मौजें के तूफान से खेलो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। थैंक यू सो मच।